क्या आपने भी ये वाली जो रेसिपी दिख रही है वो सिर्फ हलवाई के यहाँ से ही खाई है या फिर कभी ऐसे? मैंने ना नॉर्मली क्या होता है, यूके के अंदर ये वाली जो रेसिपी है जिसको मैं नॉर्मली गुजरात से हूँ, सो बेसिकली मैं उसे सेव कहती हूँ, तो यहाँ पे यूके में वो मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं घर पर एक बार ट्राई कर लिया जाए। और इसके जो स्टेप है ना वो भी बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल है। यहाँ पे करना क्या है, पहले तो बेसन लेना है, उसी के साथ डालेंगे हल्दी, उसी के साथ सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हींग डालिए, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी को है ना हल्का हल्का करके डालना है। जब भी पानी डालो ना एक साथ में पूरा मत डालना, नहीं तो आपका जो बेसन है उसका जो आटा बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आपको लग रहा है कि हाथों में वो बहुत चिपक रहा है तो उसके अंदर आप 2 से 3 स्पून ऑयल डाल सकते हो, जो मैंने भी उसके अंदर डाला था, लेकिन मेरे से वो जो वीडियो क्लिप है ना वो बेसिकली मिस हो गई। तो उसको अच्छी तरह से गून लेंगे। एक और चीज़, आटा है ना मैंने बहुत थिक गुना था, मुझे लगा कि मोटा सा आटा होगा, थोड़ा सा कड़क सा आटा होगा, तो वो जब चक्री मशीन के अंदर डालूंगी ना तो अच्छी तरह से उसकी सेव है ना बहुत अच्छी तरह से निकल के आती। एक्चुअली वो निकल के अच्छी से आती भी है, लेकिन उसके अंदर जो इतनी मेहनत लगती है ना, ऊपर से तेल गर्म होता है और उसके साथ आप वो चक्री मशीन के साथ आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, वो डर लगता है, ऊपर से हाथ दुखता है। तो फिर मैंने वापस पूरा खोला, अंदर से सारा चीज़ निकाला, वापस आटे के अंदर पानी डाला और उसको हल्का सा वापस पतला करा, ताकि आप जब भी उसकी तेल के अंदर उसको बनाओ तो आप हल्के हल्के से आप वो जो टर्न कर सको उस टाइप का आटा रखना है। सो एक और चीज़ इसके अंदर ध्यान में रखने के, पानी एक साथ में नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालो, आराम से आटा बनाओ ताकि आपकी जो सेव है ना वो अच्छी तरह से निकल के आए बस। और उसको चक्री मशीन के अंदर डाल देना। आपके पास जितनी छोटी वाली हॉल वाली होगी ना उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। मेरे पास एक्चुअली वो छोटी हॉल वाली थी नहीं, मेरे पास कुछ ऐसी वो मीडियम वाली थी, तो मैंने उसके अंदर ही करा है। लेकिन ये रेसिपी बहुत सही बन के आई थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी बनेगी। पहली बार ट्राई में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है, स्पेशली कुछ इस टाइप की रेसिपी में। हम लोग को आटे का कैसे लगा ना वो अंदाज़ा नहीं होता है। मैंने तो एक बार गड़बड़ी करी लेकिन मैंने सीख लिया। तो यहाँ पे उसको मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और ध्यान में रखना फ्लेम फास्ट ना हो, अगर फास्ट होगा तो आपकी जो सेवई है ना वो रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हल्की हल्की जलनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, और आप भी मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने सिर्फ ये वाली रेसिपी हलवाई के यहाँ से खरीदी है और कभी बनाई नहीं है, जैसे कि मैंने कभी ट्राई नहीं करी थी, पहली बार, ये मेरी पहली बार है और बहुत सही बन के आई है। आप देख सकते हैं कितनी क्रंची और कुरकुरी, और उसको 2-3 दिन तक संभाल के रखा वैसी की वैसी ही थी, थोड़ी सी भी सॉफ्ट या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो आप भी एक बार ट्राई करना अगर नहीं करी है तो, और अगर आप इसके अंदर कुछ और डालते हो तो